नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट सेल करने में मुझे बहुत परेशानी आती है। उनको उसको यूज़ करने के लिए या सेल करने के लिए मुझे एंटाइटेशन बनना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेचने के लिए डाइटिशियन बनना पड़ेगा या फिर न्यूट्रिशनिस्ट बनना पड़ेगा या जिम का ट्रेनर बनना पड़ेगा, ये सब, या डॉक्टर बनना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी एक अथॉरिटी है, अगर आपको लोग सुन रहे हैं और आपके कहने से, जैसे आप योगा टीचर हो, आप कह रहे हो कि भाई ये हनी यूज़ कर लो या ये जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आपके कहने से लोग सुन रहे हैं, तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। बट हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि इवन डाइटिशियन बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि हमको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं बुकिश नॉलेज, की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जो हमें नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्सपीरियंशियल नॉलेज, और दूसरा नॉलेज होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, कि कैसे हम बायर्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ओके, क्योंकि बायर्स को बहुत सारी नॉलेज होने के बाद भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। एक तो होता है कस्टमर, जिसको आप डेमो दे रहे हो, उसको समझा रहे हो कि भाई ये जूबा प्रोडक्ट है और पता नहीं क्या हो जाएगा, खतरनाक सब कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसे सब कुछ ठीक हो जाओगे तुम्हारा। लेकिन दूसरा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट के बारे में, आपके अंदर एक अच्छी अथॉरिटी, आपके अंदर एक अच्छा कन्विक्शन है। ओके, सो देखिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको वो लोग देखने होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। ओके, दुनिया के दोस्त, काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लेकिन मैं सेल करता हूँ तो हेजिटेशन होता है, तो उसको हेजिटेशन को कैसे दूर किया। देखिए, एक तो यह है कि अगर आप मेरे को बोलेंगे कि सर थोड़े से मोटे हो रहे हैं, पेट निकल रहा है, मैं आपको बोलूँगा नमस्ते, मुझे पेट निकलने दो, मैं भी जरा एंजॉय करने आया हूँ, मैं शाही पनीर खाऊंगा, मज़े लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये एक्स वाई जेड जो भी प्रोडक्ट है आपकी कंपनी के, वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो इस केस में क्या हो रहा है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे पास नहीं आ रहे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें मार्केटिंग सीखनी होगी कि कैसे हम बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, रादर देन कस्टमर्स को हम कन्विंस करें। प्रॉब्लम आती है कन्विंस करने में, जो कि मुझे भी आती है, मैं भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकता कि यार पेट निकला हुआ है, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट ले लो, बड़ा मुश्किल है। बट इमेजिन करो, आपके पास एक कॉल आता है और वो पर्सन बोलता है कि भाई साहब आपके पास ये जो भी प्रोडक्ट है ये है कि नहीं, तो आपको पता है कि वो गूगल पे सर्च कर रहा है या फिर यूट्यूब पे सर्च कर रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल या फिर यूट्यूब पे अपनी प्रेजेंस बनाओ और अपनी कंपनी के नाम का, जैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी अगर सर्च करे तो आपका सबसे टॉप पे हो, उसके लिए गूगल माई बिजनेस एक तो, और दूसरा यूट्यूब पे प्रेजेंस रखिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप अच्छे से रिटेल कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी ज़्यादा अपने चाचा मामा टाऊ फूफो को ज़्यादा कन्विंस कर नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं उनको समझाता हूँ तो वो मुझे अच्छे से समझा देते हैं कि बाबा रामदेव भी हैं और भी कंपनीज हैं। क्योंकि हमारा, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट कंपेरेटिवली थोड़े से महंगे होते ही हैं। ओके, तो इतने महंगे प्रोडक्ट, ऊपर से हमारा तो डाइटिशियन है, तो कोई हमारा प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर, अच्छी आपकी बात है कि आप प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आपके अंदर एक कन्विक्शन है, उसी कन्विक्शन को स्टोरी के फॉर्म में समझाइए लोगों को। अभी जैसे हम कंटेंट बना रहे हैं, ये कंटेंट बहुत सारे लोगों तक जा रहा है, तो ऐसे ही कुछ मैं बोलूँगा, आप कंटेंट को क्रिएट करिए, और जितने भी लोग अभी हमको सुन रहे हैं, आप लोग भी कंटेंट को अभी इस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो, बट आई सजेस्ट यू टू क्रिएट मोर एंड मोर कंटेंट, बिकॉज ओनली थ्रू दिस यू कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल। अभी आप देख सकते हैं, हम ऐसी लोकेशन में जहाँ पे सब खुला मैदान है, दिखाइए ज़रा, कैमरा मैन हमारे दिखा रहे हैं आपको, और अभी यहाँ पर होते हुए हम पता नहीं कितने सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं। ओके, ये बहुत इशू आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। प्रोडक्ट बहुत महंगा है, जैसे अब आप बोलोगे कि सर आप बड़े मोटे हो या फिर आप बड़े, आपकी हाइट लंबी है, ये सब आप बोलोगे, ये सब चीज़ें क्या होती है, वी आर ऑलवेज टॉकिंग इन कंपैरिजन। अगर हम, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि, जैसा आप मेरे को बोलेंगे कि आपकी हाइट लंबी है, ठीक है, तो हाइट लंबी है इन कंपेयर टू द अदर पर्सन है। जब हम बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, तो हम दूसरे किसी प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो सिर्फ हमें कंपेयर ओनली इन टर्म्स ऑफ प्राइस नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट, हर एंगल से हमें कंपैरिजन करना चाहिए। और जहाँ तक की बात, जैसे एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है आपकी कंपनी में, मान लो हनी, अगर वो प्रोडक्ट है 1600 रुपए का, महंगा है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट जाओगे, हनी कौन कौन सी कंपनी, जो कंपनी कभी आपने सुनी भी नहीं, वहाँ पर 4000 का हनी भी मिल रहा है, तो महंगा तो वो भी है। तो वेन यू कंपेयर वन प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट, तो हमें महंगा लगता ही है। बात यह है कि क्या आप सही पर्सन से बात कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है ना, उसको प्राइस पहले से पता है, उसको पता है कि मुझे ये एक्स वाई जेड कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए और ये महंगे ही होते हैं। सो मतलब ये एक चीज़ ऐसी है, इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी बड़ी नीड है, कितनी ज़्यादा नीड है उस पर्सन की, आपके प्रोडक्ट कितना अच्छी क्वालिटी का है, बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है सब चीज़ें। तो देखिए, मेरा सजेशन एक ही है,
200 रुपये की चीज़ भी महंगी लगती है लोगों को और 2000 रुपये की चीज़ भी महंगी लगती है, और 10 रुपये का धनिया भी महंगा लगता है ना। धनिया फ्री में दे दो 10 रुपये का, बड़ा महंगा हो गया आजकल, नींबू बड़े महंगे हो गए हैं, है ना। तो हर चीज़ ही महंगी है ऐसे हम सोचेंगे तो, बट वेन वी कम्पेयर टू द अदर थिंग, बट जिसको नींबू पीना है, जिसको नींबू पानी पीना है वो पी रहा है। सिमिलरली जिसको वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी के यूज़ करने हैं वो करने हैं। क्वेश्चन ये है कि जिनको प्रोडक्ट यूज़ करना है वो प्रोडक्ट, वो लोग आपके पास आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्रोडक्ट डिटेलिंग ना सीख कर मार्केटिंग सीखो, कि मार्केटिंग करके आप बायर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर ये सीखना है आपको, आपको सीखना है जी, सीखना है ना, बिल्कुल जी। ठीक है, तो मैं आपको तो मैंने सिखा दिया वैसे जी, अभी मीटिंग हुई थी हमारी, मैंने आपको सिखा दिया। तो प्रोडक्ट को कैसे डिटेल करना है उससे रिलेटेड अगर आप सीखना चाहते हो तो 1-to-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। और दूसरा एक प्रोडक्ट डिटेलिंग वर्कशॉप मैंने किया था कि हाउ टू डिटेल योर MLM प्रोडक्ट एट जस्ट ₹497, आप उसका लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हो कि वार्म मार्केट में, कोल्ड मार्केट में कैसे काम करना है, YouTube के थ्रू कैसे काम करना है, गूगल माई बिजनेस के थ्रू अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बायर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें सीख सकते हो आप।